हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस जो होता है यहाँ पे एक्टिव में क्या हो जाता है सिर्फ हम उसी के बारे में बता रहे लेकिन किसके किसके द्वारा किया गया था किसके द्वारा बोला गया था किसके द्वारा पेंटिंग किया गया था किसके द्वारा पूछा गया था तो जब हम चले जाते हैं तो बाई के द्वारा चले जाते हैं तो हम पैसिव कहते हैं इसको सो व्हाट हुसैन तो अगेंस्ट में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चेंज हो जाते हैं जब हम पैसिव चले जाते हैं सो लेट सी द एजेंट इज आफ्टर ड्रॉप इन पैसि वेन इट इज ओके एविडेंस टू हु द बुक शुड बी रिटर्न बाय यू ओके ये क्या हो गया आपका एक्टिव हो गया

एक्टिव यू शुड रिटर्न दिस बुक टूमारो यू शुड रिटर्न दिस बुक टूमारो बट हमने यहाँ पे बाय का यूज नहीं किया है क्योंकि ये एक्टिव बाय का यूज नहीं होता है ये ये इजी सेंटेंस में चला जाता है लेकिन यहाँ पे हम किसके द्वारा किया गया किससे पूछा गया किसके द्वारा पूछा गया किसके द्वारा बोला गया किसके द्वारा देने के लिए किया गया ये बाय का यूज होता वो है पैसिवाइज टू चेंज द वर्ब इन टू द पैसिव एंड appropriate form form of the verb is verb b is added before the main verb which takes on the form of the past participle past participle so here yeah, passive is equal to B plus past participle of the main verb b hai. So, b ka use so be past form past participle so like, the man cut the tree the man cut the ट्री द ट्री वॉस ये पास फॉर्म है सी क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पे वॉस का यूज होता है अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो वर्क का यूज होता है ओके इट्स अ पास ओनली सिंगल पर्सन इज देयर वू कट दिस ओके सिंगल पर्सन इज देयर सो आई एम यूजिंग यी वॉज कट बाय मैन द मैन सो सी यैन कट द ट्री जो ये मैन मैन जो द मैन इज अब्जेक्ट इट्स अ

ओके बी प्लस बी सो यह वॉज जो यूज किया गया किसके द्वारा कट किया किसके द्वारा काटा गया था किसके द्वारा काटा गया था द ट्री वॉज कट बाय द मैन द ट्री वॉज कट बाय द मैन द ट्री द ट्री इज अ ऑब्जेक्ट इन दें सेंटेंस वेर एक्टिव में जो फर्स्ट सेंटेंस में एंड में जो आ रहा है वो फर्स्ट में आता है जब में जाते हो जो फर्स्ट में है वो एंड में चला जाता है जब आप पैसिवाज में चला जाते हो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट यहां पे आ जाता है सो यस य मैन इज अ ट्री ओके